दर्शकों का फिर से स्वागत है। इस कड़ी में हम जनरल डेविड बेयर की कहानी को कवर करेंगे। 1780 में हैदर अली द्वारा पोलिलूर की लड़ाई के दौरान उन्हें कैद कर लिया गया था। वह 4 साल तक श्रीरंगपटना जेल में रहे। इसी व्यक्ति ने 19 साल बाद श्रीरंगपटन पर कब्जा कर लिया। जनरल डेविड बेयर ने टीपू सुल्तान के शव को खोजने के लिए युद्ध के मैदान की खोज की। डेविड ने टीपू के परिवार, विशेषकर महिलाओं की रक्षा की। उन्होंने राजकीय सम्मान के साथ टीपू को दफनाने का आयोजन किया। आइए जानें कि चीजें कैसे हुईं। बेयर के चरित्र और ईमानदारी पर हर अंग्रेज गर्व करता है। वह कृत्य जिसकी आज भी हर भारतीय सराहना करता है। डेविड बेयर का जन्म स्कॉटलैंड में हुआ था और वह एडिनबर्ग व्यापारी परिवार के 5वें बेटे थे। वह 1772 में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए। वह 1779 में 73वें हाईलैंडर्स के साथ एक कप्तान के रूप में भारत आए। डेविड बेयर सर हेक्टर मुनरो की कमान वाले बल से जुड़े थे। सर हेक्टर मुनरो कर्नल बेली की टुकड़ी की सहायता कर रहे थे। यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कर्नल बेली हैदर अली के खिलाफ लड़ रहा था। 10 सितंबर 1780 यह पोलिलूर की लड़ाई का समय था। भारतीय उपमहाद्वीप पर पहली बार ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान हुआ। सैकड़ों ब्रिटिश सैनिकों और अधिकारियों को बंदी बना लिया गया। युद्ध के मैदान में कैप्टन बेयर ने खुद को मृत और मरते हुए सैनिकों के बीच पाया। साथ ही वह मैसूर सेना से घिरा हुआ था। कैप्टन डेविड बेयर को जांघ में लगा घाव, खून की कमी और भीषण गर्मी के कारण वह युद्ध के मैदान में बेसुध पड़ा था। उसकी कमीज और पतलून को छोड़कर उसका सारा सामान लूट लिया गया। कैप्टन डेविड ने युद्ध के मैदान से रेंगने की कोशिश की। जब कैप्टन डेविड भागने की कोशिश कर रहा था, हैदर के एक घुड़सवार ने उसे देख लिया। घुड़सवार ने उसे पीने के लिए पानी दिया। खून की कमी के कारण कैंप ले जाते समय कैप्टन डेविड 2 बार बेहोश हो गए। कैप्टन डेविड के ठीक होने तक सिपाही इंतजार करता रहा। उसने फिर उसे पीने के लिए पानी दिया। घुड़सवार ने ब्रिटिश सैनिकों को लाने के लिए इनामी राशि प्राप्त करने के लिए ऐसा किया। जब कप्तान डेविड 3री बार बेहोश हो गया तो घुड़सवार ने धैर्य खो दिया और दाऊद को जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। कप्तान डेविड बेयर रेंगते हुए मैदान से बाहर चले गए। जंगल में अकेले घूमते हुए वह सर्जेंट वॉकर और अपनी ही कंपनी के एक सिपाही के सामने आए। सैनिक दोनों बाहों में अक्षम था और सर्जेंट वॉकर एक हाथ में अक्षम था। वे दोनों चलने में सक्षम थे, जबकि कैप्टन डेविड की जांघ में चोट लगी थी। वह हिल नहीं सकते थे। उन्होंने उसे जमीन पर से उठाया और आगे बढ़ने में मदद की। उन्होंने उसे पीने के लिए पानी मंगवाया। कैप्टन डेविड बेयर और उनके घायल साथी सर हेक्टर मुनरो के डेरे को खोजने की उम्मीद के साथ आगे बढ़े। इसके बजाय उन्हें मैसूर सेना की छोटी टुकड़ी मिली। चूंकि वे बहुत थक चुके थे, इसलिए उन्होंने फ्रांसीसी के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। वे लाली के खेमे की ओर बढ़ने लगे। वे अनुमान लगाकर रात से पहले फ्रांसीसी मुख्यालय पहुंच गए। कैप्टन डेविड बेयर और उनके साथियों का फ्रांसीसी शिविर में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। फ्रांसीसियों ने उन्हें चाय और जलपान की पेशकश की। सर्जन ने तुरंत उनके घावों पर ध्यान दिया। फ्रांस के पास सभी कैदियों को हैदर अली तक पहुंचाने का आदेश था। जब कैप्टन बेयर हैदर के तंबू में पहुंचे तो उन्हें कर्नल बेली, लिंडसे और अन्य अधिकारी मिले। सभी अंग्रेज कैदी 14 सितंबर तक यहां रहे। सभी बंदियों को चावल परोसा जा रहा था। 14 सितंबर 1780 को करीब 11 बजे हैदर आरकोट चले गए। घायल अधिकारी कर्नल बेली, कैप्टन बेयर्ड, रिमली, लुकास, शलॉक, रैग, लेफ्टिनेंट लिंसे और फ्रेजर को पालकियों में अर्नी किले में भेजा गया। जो अधिकारी घायल नहीं हुए उन्हें बेंगलोर और मैसूर भेज दिया गया। अर्नी किले में वे एक पखवाड़े तक रहे। कैप्टन बेयर्ड, लिंडसे, बेंटिक और रैग को श्रीरंगपटना भेजा गया। कर्नल बेली उनसे अलग हो गए। कैदियों की श्रीरंगपटना की विस्तृत यात्रा के लिए लिंड से श्रृंखला देखें। 11 मार्च 1784 को युद्ध समाप्त होते ही कैदियों को रिहा कर दिया गया। 23 दिन 1 महीने 15 साल बाद। स्थान, श्रीरंगपटना किले के बाहर। दिनांक 4 मई 1799। 4 मई 1799 को दोपहर 1:10 पर जनरल डेविड बेयर खायों से बाहर निकले और अपने आदमियों के साथ किले की दरार की ओर बढ़े।
मैसूर सेना की गोलीबारी की उग्रता के बावजूद जनरल बेड को दरार के शीर्ष तक पहुंचने में केवल 6 मिनट लगे। यहां उन्हें बाहरी दीवार में पानी से भरी दूसरी खाई मिली। कठिनाई से वह अपने आदमियों को प्राचीर के साथ ले गया। सौभाग्य से उन्हें कुछ मचान मिला जिसे कुछ श्रमिकों ने पीछे छोड़ दिया था। यहां मिले मचान संदेह पैदा करते हैं, क्या मजदूरों द्वारा गलती से छोड़े गए मचान थे या यह देशद्रोहियों की साजिश का हिस्सा था। ब्रिटिश सैनिकों ने किले में प्रवेश किया और उस पर कब्जा कर लिया। जब गढ़ अंग्रेजों के हाथों में था तब जनरल डेविड ने मेजर एल को टीपू के महल में भेज दिया। मेजर एल, मेजर शीन और अन्य अधिकारी महल के बाहर इंतजार कर रहे थे। परिवार के कुछ सदस्य कौतूहलवश बालकनी से आए और झांकने लगे। कई अनुरोधों के बाद किले कीपर द्वारा मेजर एल, कैप्टन स्कोहे और कैप्टन हेस्टिंग्स फ्रेजर को महल के अंदर जाने की अनुमति दी गई। मेजर अले के पास 2 युवा राजकुमारों को लाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने परिवार के सदस्यों को सुरक्षा का आश्वासन दिया। परिवार वालों को टीपू की जानकारी नहीं थी। कुछ समय बाद जब जनरल डेविड बेड महल के द्वार पर पहुंचे तो मेजर एल ने उनका स्वागत किया। मेजर एल ने बताया कि राजकुमार और परिवार के सदस्य टीपू से अनजान थे। टीपू भी महल में मौजूद नहीं थे। जनरल डेविड बेड ने राजकुमारों को सेना के कमांडर इन चीफ जनरल हैरिस के पास ले जाने का आदेश दिया। जनरल डेविड बेड ने टीपू के परिवार के सदस्यों के इस कथन पर विश्वास नहीं किया कि सुल्तान महल में नहीं है। टीपू की स्थिति को लेकर अनिश्चितता थी। जनरल डेविड बेड, कर्नल क्लोज और मेजर एल ने महल की तलाशी ली। सावधानी से सेनाना क्षेत्र से परहेज किया। सुल्तान को भागने से रोकने के लिए जनाना इलाके के पास गार्ड तैनात किए गए थे। ब्रिटिश अधिकारी टीपू सुल्तान को महल में नहीं ढूंढ पाए। महल के रखवाले ने खुलासा किया कि पानी के प्रवेश द्वार के पास सुल्तान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें वहां टीपू मिलने की उम्मीद थी। जनरल डेविड बेड कई अधिकारियों के साथ तुरंत महल से निकल गए और किले के रखवाले द्वारा बताए गए पानी के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। महल के कर्मचारियों की जानकारी के अनुसार उस दिन जब सुल्तान ने महल छोड़ा तो उन्होंने एक हल्के रंग की जैकेट, महीन फूलों वाली चिंट्स की चौड़ी पतलून, गहरे लाल रेशमी सामान की एक पट्टी और एक या दो विशिष्ट पगड़ी पहन रखी थी। उन्होंने अपनी तलवार अपने दाहिने कंधे पर लटकी हुई एक समृद्ध बेल्ट में पहनी थी और एक छोटा कारतूस का डिब्बा उसके बाएं कंधे पर फेंकी गई एक अन्य कड़ाई वाली बेल्ट से लटका हुआ था। उन्होंने ताबीज उसके दाहिने हाथ पर जैकेट के नीचे कंधे से थोड़ा नीचे रखा गया था। वह सुबह जल्दी निकल गए जैसा कि उनकी प्रतिदिन का रिवाज था। जनरल डेविड बेड किले के रखवाले और अन्य अधिकारियों के साथ टीपू सुल्तान की तलाश में गए। जैसे ही शाम हो रही थी खोजी दल मशालों को अपने साथ ले गया। पानी के फाटक के पास मरे हुए सैनिकों के ढेर थे। वे घायल और मृत सैनिकों के ढेर में टीपू की तलाश करने लगे। अंत में कुछ मृत सैनिकों के नीचे टीपू का शव मिला। टीपू का चेहरा विकृत नहीं था बल्कि कठोर संयम की अभिव्यक्ति थी। उनकी पगड़ी, जैकेट और तलवार की पट्टी चली गई थी। शव को उनकी लोगों ने पहचाना। जनरल बेड के साथ आए अधिकारियों में से एक ने अनुमति लेकर टीपू के दाहिने हाथ के ताबीज को उतार दिया और अपने पास रख लिया। जनरल डेविड बेड ने टीपू के शव को पालकी में रखने और महल में ले जाने का आदेश दिया। पूरी रात लाश को महल में रखा गया। जनरल डेविड बेड ने शहर में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए अधिकारियों और सैनिकों को भेजा। जनरल डेविड बेड 74वां और 33 रेजिमेंटों के साथ महल में लौट आए। उसने अपने आदमियों को निशस्त्र करने और आंगन में अपने हथियार रखने का आदेश दिया। एक लंबे थकाऊ दिन के बाद जनरल डेविड ने जनरल हैरिस से आदेश से अस्थाई राहत के लिए अनुरोध किया ताकि वह आराम कर सके। अनुमति दी गई और जैसे ही जनरल सेवानिवृत्त होने वाले थे उन्हें स्वर्गीय सुल्तान के हरम में भय की सूचना मिली। महिलाओं और बच्चों को अपने जीवन और सम्मान के लिए बहुत डर था। जनरल डेविड बेड टीपू परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। वहीं दिन भर की थकान के बाद जनरल डेविड बेड ने आराम करने का फैसला किया था। जनरल ने हरम के प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक बरामदे पर एक कालीन बिछाने का आदेश दिया। वह गलीचे पर सो गए। हरम के पास जनरल की उपस्थिति ने दंगाइयों में भय पैदा कर दिया था। इस प्रकार जनरल बेड ने सुल्तान के महिलाओं और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की।
उस रात हरम में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। थोड़ी देर बाद जनरल बेयर किसी भी अनियमितता की जांच के लिए तुरंत उठे। उसने सब कुछ क्रम में पाया, इसलिए वह फिर से सो गए। अगली सुबह प्रिंस अब्दुल खालिक को जनरल बेयर के पास लाया गया। घेराबंदी से पहले प्रिंस अब्दुल खालिक अपने सैनिकों के साथ एक अभियान पर निकले थे। दीवान पूनैया की सलाह पर उसने किले के बाहर एक ब्रिटिश अधिकारी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जनरल डेविड ने प्रिंस का बड़ी दयालुता से स्वागत किया। जनरल ने राजकुमार को टीपू का शव दिखाया। युवा राजकुमार की आंखों में आंसू थे। राजकुमार ने शांत गरिमा के साथ सेनापति की ओर रुख किया और टीपू के शरीर की पुष्टि की। जनरल बेयर की चेतावनियों के बावजूद किले में लूट अभी भी जारी थी, इसलिए जनरल ने घोषणा की कि जो कोई भी चोरी करते हुए पाया जाएगा उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। नए नियम का पालन करने के लिए एक मार्शल नियुक्त किया गया था। इस फैसले का काफी असर हुआ। कर्नल वेलेस्ली जनरल हैरिस के आदेश के साथ महल में पहुंचे। यह जनरल डेविड बेयर को आदेश था जिसमें उन्हें श्रृंगपाटन की कमान सौंपने का निर्देश दिया गया था। जनरल बेयर के लिए यह एक झटका था कि जिस शहर पर उन्होंने एक दिन पहले विजय प्राप्त की थी उसे कर्नल वेलेस्ली को सौंपना पड़ा था। जनरल डेविड बेयर ने महसूस किया कि उनके साथ अन्याय और अनादर का व्यवहार किया गया। जनरल डेविड बेयर का 18 अगस्त 1829 को 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे निसंतान थे। उनकी विधवा ने उनके लिए क्रिएफ के पास ट्रोवन के ऊपर एक पहाड़ी पर एक ओबिलिस बनवाया। जनरल डेविड बेयर की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ने विल्की को एक वीर चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया जिसमें जनरल को टीपू साहिब के मृत शरीर की खोज करते हुए देखा गया। पेंटिंग अब स्कॉटलैंड की नेशनल गैलरी में लटकी हुई है। सर डेविड विल्की को इस कृति को पूरा करने में लगभग 4 साल लगे। सुल्तान के शव की खोज के लिए गेट पर रोशनी के साथ सर्च पार्टी के साथ जनरल डेविड की तस्वीर। व्यूअर थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह एपिसोड दिलचस्प लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। भारतीय इतिहास के भूले हुए और अनकहे पलों के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें।